लेकिन सर्वदलीय बैठक में ही विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़ा है और ये सत्र हंगामेदार हो सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार संसद में महंगाई, किसान और कोरोना जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। सरकार अगर बहस के लिए तैयार नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है MSP और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और MSP के बारे में एक कानून बनाना चाहिए और बाकी के विषय, चाहे वो चाइना का एग्रेशन हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है और ये सारी चीजें वहां पर हमने चर्चा की और हम कोऑपरेट करेंगे सरकार के अच्छे चीजों पर, अच्छे बिल पे। अगर वो हमारे बातों को नहीं मानते तो हाउस डिसरप्शन का जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते, जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि किस ढंग से सदन चलाना। तो संक्षेप में आपको बता दें कि किन मुद्दों पर यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। उसमें सबसे पहले है MSP कानून, दूसरे नंबर पर आता है बिजली संशोधन एक्ट, तीसरी बात महंगाई को लेकर हो सकती है, बेरोजगारी, महंगाई, ये बड़े मुद्दे हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें, इसके अलावा पेगासस जासूसी का मामला जो है जिस पर पिछले सत्र में काफी हंगामा होता रहा, COVID-19 से जिन लोगों की जाने गई उनको मुआवजा देना, किसानों को मुआवजा और चीन का अतिक्रमण, साथ ही साथ महिला आरक्षण का मुद्दा भी इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में जोर शोर से उठ सकता है। तो पहली चीज तो यह है कि कृषि कानून निरस्तीकरण विधेयक जो है वो पेश हो और उसको पास किया जाए, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल इसी सत्र में पेश किया जाना है, वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक ये तीसरा अहम मुद्दा हो सकता है, दिवालियापन संशोधन विधेयक ये विधेयक पेश होना है, मानव तस्करी निवारण विधेयक, ये कुल 36 विधेयक हैं जिनको पेश करवाना चाहती है सरकार, पेंशन संशोधन विधेयक, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ये भी काफी अहम बिल है, HCSC जज वेतन विधेयक, इमिग्रेशन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून विधेयक 2021। तो ये वो जरूरी बिल है जो इस सत्र में पेश होने हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।